कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। ऑमलेट वाली बहू। सुंदरपुर नाम के गांव में एक राधा नाम की औरत रहा करती थी। उसको श्रवण नाम का बेटा था। श्रवण के पत्नी का नाम था लक्ष्मी। वो तीनों खुशी खुशी रहा करते थे। श्रवण का मजदूरी का काम होने के कारण उसे काम ढूंढने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था। एक दिन श्रवण का दोस्त राघव उसके घर पर आ जाता है। तभी लक्ष्मी उसे चाय देती है। श्रवण और राघव बातें कर रहे थे। अरे कैसे आना हुआ? अरे श्रवण, तुमने मुझसे 50,000 रुपए लिए थे, वो कब लौटा रहे हो? अरे मेरे दोस्त, जल्द ही लौटा दूंगा, थोड़ा और वक्त दे दो। अरे मुझे भी पैसों की जरूरत है। मैं देखता हूँ, इस बार शहर जाकर मैं काम करूंगा तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो मैं तुम्हारे पैसे पूरे चुकते कर दूंगा। ठीक है, मगर 1 महीने में लौटा देना। मैं देखता हूँ, इस बार शहर जाकर मैं काम करूंगा तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो मैं तुम्हारे पैसे पूरे चुकते कर दूंगा। ऐसा कहकर राघव चाय पीकर अपने घर चला जाता है। तभी ये सब बातें दीवार के पीछे से लक्ष्मी सुन लेती है और उसको बुरा लगता है कि उसका पति बहुत कठिन परिस्थिति में है। अगले कुछ दिनों में श्रवण काम के सिलसिले में शहर चला जाता है। तभी लक्ष्मी अपनी सास से, माँ जी मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। तुम्हें पैसे क्यों चाहिए बहू? माँ जी अब ये घर में नहीं है तो मुझे कोई काम भी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ खुद का काम धंधा शुरू करूँ। विचार तो तुम्हारा अच्छा है बहू। माँ जी आप मुझे 3,000 रुपए दे दीजिए, मैं उसमें मेरा धंधा शुरू करूँगी। ठीक है, तुम कह रही हो तो ये लो 3,000 रुपए। धन्यवाद माँ जी, मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगी। ऐसा कहकर लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है। अब लक्ष्मी बाजार जाकर होलसेल दुकान में जाकर दुकानदार से, भाई साहब मुझे आज 5 दर्जन अंडे दे देना और साथ में पाव भी दे देना, मुझे हर रोज अंडे और पाव लगेगा, तो आप अच्छे दाम लगाना। मैं आपको अच्छे दाम ही लगाऊंगा, मगर आप क्या करने वाली है इतने अंडे और पाव का? मैं नया धंधा शुरू करने वाली हूँ, ऑमलेट बनाने का, इसीलिए मुझे अंडे और पाव हर रोज लगेंगे। अच्छा, आप कहाँ खोलने वाली हो दुकान? मैं आऊँगा आपके दुकान पर ऑमलेट खाने के लिए। मैं मेरा दुकान घर के सामने डालने का विचार कर रही हूँ। तो ठीक है, मैं आज ही आ जाऊँगा आपके दुकान पर। लक्ष्मी बहुत खुश होकर दुकानदार से, ठीक है भाई साहब, आप मेरे दुकान के पहले ग्राहक होंगे, आप जरूर आना। जी। ऐसा कहकर लक्ष्मी सब सामान लेकर अपने घर चली जाती है और अपने घर के सामने एक छोटा सा दुकान लगाती है जिसमें वो काम की सब चीजें रखती है। तब दुकान पर लक्ष्मी ग्राहक आने का इंतजार करती है। तभी दोपहर के समय वो दुकानदार उसके दुकान पर आते हैं। मेरे लिए आपके हाथ का स्वादिष्ट ऑमलेट बनाओ बहन। जी अभी बनाती हूँ। ऐसा कहकर लक्ष्मी बहुत ही अच्छे ऑमलेट बनाकर दुकानदार को देती है। दुकानदार को उसके हाथ का ऑमलेट बहुत पसंद आ जाता है। वो लक्ष्मी से, बहन तुम्हारे हाथों में तो जादू है, मैंने आज तक ऐसा स्वादिष्ट ऑमलेट नहीं खाया, बहुत टेस्टी है ऑमलेट। धन्यवाद, आप मेरे दुकान पर आए मुझे बहुत अच्छा लगा। लक्ष्मी बातें कर रही थी तभी रास्ते से जाने वाली 2 औरतें नया दुकान खुला देख उसे देखने चली जाती है और दुकान के पास आकर लक्ष्मी से, अरे लक्ष्मी ये नया दुकान तुमने खोला है क्या? हाँ मैंने खोला है, आप आइए ना मेरे हाथ का ऑमलेट खाकर देखिए। सुमति और सुशीला लक्ष्मी की बातें सुनकर उसके दुकान में ऑमलेट खाने के लिए आ जाती है। आप यहाँ बैठिए ना, मैं अभी बनाती हूँ ऑमलेट। ठीक है जल्दी बनाओ। जी अभी बना कर लाती हूँ। ऐसा कहकर लक्ष्मी ने उन दोनों के लिए ऑमलेट बनाया और उन्हें खाने के लिए दे दिया। तभी सुशीला ने ऑमलेट खाकर बोला, अरे इतना स्वादिष्ट ऑमलेट मैंने आज तक नहीं खाया, तुम्हारे हाथ में स्वाद है लक्ष्मी। धन्यवाद सुशीला बहन, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको मेरे हाथ का ऑमलेट अच्छा लगा। लक्ष्मी ऐसा कहती है और थोड़ी देर में सुशीला और सुमति लक्ष्मी के हाथ का ऑमलेट खाकर चली जाती है। उस दिन लक्ष्मी का धंधा अच्छा हुआ था। दूसरे दिन उसने सुबह से ही ऑमलेट बेचने का धंधा शुरू कर दिया। काम पर जाने वाले लोग तथा सुबह का नाश्ता करने के लिए बहुत से लोग उसकी दुकान पर आए। दुकान में इतनी भीड़ देख लक्ष्मी के सास डर गई और वो लक्ष्मी से, अरे लक्ष्मी तुम इतने ऑमलेट बनाकर कैसे दोगी? चलो आज मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। हाँ माँ जी आज मुझे आपके मदद की बहुत जरूरत है।
राधा लक्ष्मी की मदद करने चली गई। दोनों ने मिलकर उस दिन सारा काम किया। उस दिन लक्ष्मी अपनी सास राधा से, माँ जी आज मेरा दिन बहुत अच्छा रहा, आज बहुत कमाई हुई है। हाँ लक्ष्मी, आज दुकान पर बहुत ग्राहक आए थे। हाँ माँ जी। चलो अब घर में जाकर आराम करते हैं। हाँ माँ जी चलिए। ऐसा कहकर दोनों सास बहुएं घर में चली जाती है। लक्ष्मी का धंधा आज अच्छा होने के कारण उसने पैसे गिनना शुरू किया और उसमें से अपने सास से लिए हुए पैसे अलग निकालकर बाकी के पैसे खर्च के लिए रख दिए। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी अपने सास के कमरे में चली जाती है और अपने सास से, माँ जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो लक्ष्मी, क्या बात है? माँ जी आज मेरा धंधा बहुत अच्छा था, इसीलिए मुझे आज मुनाफा भी बहुत हुआ है। ये लीजिए माँ जी आपके 3,000 रुपए। अरे बहू, मैंने तुमसे मांगे थे क्या? नहीं माँ जी, मेरे पास आ गए तो मैंने आपको दे दिए। ठीक है, अलमारी में रख दो। जी। ऐसा कहकर लक्ष्मी अलमारी में पैसे रख देती है और अपना काम करने चली जाती है। लक्ष्मी का धंधा अब बहुत अच्छी तरह से चलने लगा था। कुछ दिनों बाद दिवाली आने के कारण श्रवण अपने काम से छुट्टी लेकर घर आया था। सब घर में खुशहाली छाई थी, मगर लक्ष्मी को श्रवण उदास उदास दिखाई दिया। एक दिन लक्ष्मी श्रवण से, क्या हुआ है? आप घर पर आए हैं तब से बड़ी चिंता में दिखाई दे रहे हैं। कुछ नहीं लक्ष्मी, ऐसे ही सोच रहा था। क्या आप मुझे बता नहीं सकते? कुछ नहीं लक्ष्मी, थोड़ा पैसों का टेंशन था, बाकी कुछ नहीं। पिछली बार हमारे यहाँ राघव भाई साहब आए थे, तब उनकी और आपकी बातें मैंने सुन ली थी। आपको उनके पैसे वापस करने हैं ना? हाँ लक्ष्मी, मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं उसके पैसे सारे कैसे वापस करूँ। मेरे पास सिर्फ 25,000 रुपए है और सर पर अब दिवाली भी आई है। लक्ष्मी उठकर अलमारी में से पैसे निकालकर श्रवण के हाथों में रख देती है और उससे कहती है, ये पैसे आप ले लीजिए, मैंने आपके लिए ही जमा किए थे। अब राघव भाई साहब को ये पैसे आप दे आइए। मैं ये पैसे नहीं ले सकता। जो मेरा है वो सब आपका ही है, इसलिए ये पैसे राघव भाई साहब को दे दीजिए। और रहा सवाल दिवाली मनाने का, तो बाकी के पैसों में अच्छी दिवाली मनाई जा सकती है। श्रवण को उस पर गर्व महसूस होता है कि उसकी पत्नी कठिन परिस्थिति में उसके साथ खड़ी रही। अब ये सब कमरे के बाहर खड़ी उसकी सास देख रही थी और मन ही मन बहुत खुश हो गई। अब श्रवण राघव के पैसे वापस करने के लिए उसके घर चला गया। अरे राघव, मुझे तुमसे कुछ काम था। अरे आओ ना श्रवण। तभी श्रवण राघव के घर में चला जाता है और राघव से, अरे राघव मुझे तुम्हें कुछ देना है। क्या? ये लो तुम्हारे पैसे, मैंने देने में थोड़ी देरी कर दी। अरे कोई बात नहीं, तुमने खुद से मुझे ला कर दिए, यही मेरे लिए बहुत है। अब मैं चलता हूँ, कल दिवाली है ना, बहुत काम बाकी है। हाँ चलो। ऐसा कहकर श्रवण वहाँ से चला जाता है और घर आकर देखता है तो लक्ष्मी और माँ दोनों बातें कर रही थी। लक्ष्मी मुझे तुम पर गर्व है, तुमने किसी की सहायता ना लेते हुए खुद का धंधा शुरू किया और उसमें बहुत मेहनत की। ऐसे ही तरक्की करो बहू। हाँ माँ जी, मैंने सब अपने घर के लिए किया और आगे भी करूँगी। लक्ष्मी चलो आज मेरी ओर से हम दोनों साड़ियाँ खरीद लाते हैं। जी चलिए माँ जी। तभी श्रवण वहाँ आ जाता है। श्रवण की माँ श्रवण से, अरे श्रवण आओ यहाँ बैठो। हाँ माँ कहो। मैं सोच रही हूँ तुम अब काम पर ना जाकर घर का ही काम संभालो। बहू का ऑमलेट का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, उसको भी मदद हो जाएगी और घर भी दिखना हो जाएगा। हाँ माँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। ऐसा हुआ तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। चलो अब दिवाली की तैयारियां करते हैं। ऐसा कहकर तीनों दिवाली के काम में लग जाते हैं। अब लक्ष्मी का पति उसके साथ उसका धंधा संभाला करता था, ये देख लक्ष्मी बहुत खुश थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अगर मन में ठान ले तो हर नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकते हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा कभी भी नहीं होता, बस काम करने की लगन होनी चाहिए। सुंदरपुर नाम के गांव में एक सुशीला नाम की औरत रहा करती थी। उसको एक बहू थी जिसका नाम था राधा। राधा को एक श्वेता नाम की बच्ची थी। उसे स्कूल में छोड़ने तथा घर के सारे काम राधा ही किया करती थी। बाजार से सामान लाना ऐसे छोटे मोटे काम तो वो आते जाते कर लेती थी। सुशीला अचार पापड़ और दही बेचने का व्यवसाय किया करती थी। उसका लड़का सुधीर खेत में काम किया करता था।
उसके यहाँ एक गाय भी थी। उसी गाय के दूध से सुशीला दही बनाती थी और बेचती थी। सुशीला का धंधा बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। उसके यहाँ एक दिन गांव का एक आदमी आता है। वो सुशीला से, सुशीला बहन, मुझे तुमसे कुछ काम है, जरा बाहर आना। अरे रघु भाई साहब, आइए ना, इधर कैसे आना हुआ? बहन, मेरे बिटिया की शादी है, तो मुझे 5 किलो अचार और 5 किलो पापड़ लगेंगे। मिलेंगे ना शादी तक? हाँ मिल जाएंगे, दही भी अच्छा है मेरे घर का, मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ वो तो पता है बहन, दही में शादी के दिन लेकर जाऊंगा। ठीक है भाई साहब, आपके पापड़ कल ही बना के रखूंगी और अचार भी साथ में बनाकर रखूंगी, आप कल लाकर लेकर जाना। ठीक है सुशीला बहन, ये लीजिए आपका एडवांस, मैं कल आकर अचार और पापड़ लेकर जाऊंगा। जी, ऐसा कहकर रघु वहां से चला जाता है। रघु जाते ही सुशीला काम करने लग जाती है। उसके पास अचार था मगर उसे पापड़ तैयार करने थे, वो भी एक दिन में, इसीलिए वो जल्दी जल्दी में पापड़ का आटा बनाने के लिए लग जाती है। और वो उस दिन राधा की मदद लेने की सोचती है। सुशीला राधा से, राधा। हाँ माँ जी। जरा इधर आना, मुझे ये पापड़ का आटा गूंदने में मेरी मदद करो। हाँ माँ जी, अभी आई। ऐसा कहकर राधा सुशीला के पास चली जाती है। राधा देखती है कि सुशीला पापड़ के आटे में मसाला थोड़ा कम डाल रही है। तभी राधा सुशीला से, माँ जी पापड़ के आटे में मुझे लगता है कि मसाला थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा और डालिए ना। अरे नहीं बहू, इतना ही ठीक है, ज्यादा डाला तो हमें वो कितने में जाएगा? मगर माँ जी, हम उसके पैसे लेते हैं, ग्राहक हमें पूरे पैसे देते हैं, तो हमें भी हमारा माल अच्छा देना चाहिए ना। अरे राधा, तू मुझे मत सिखा, मैं मेरा काम अच्छी तरह से जानती हूँ, समझी? ऐसा कहकर राधा भी आटा गूंदने के लिए बैठ जाती है और बाद में उसके साथ पापड़ बेलने बैठ जाती है। काम होने के कारण राधा उठ जाती है। सुशीला थोड़ी देर वहाँ पापड़ बेलती रहती है। सुशीला 5 किलो के पापड़ बेल लेती है और उसे सुखाने के लिए रखती है। तभी राधा सुशीला को आवाज लगाती है। माँ जी खाना तैयार है, आ जाइए। हाँ आई। सब खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद सुधीर अपने खेत में क्या क्या करना है इसकी बातें करता है और श्वेता अपने स्कूल की बातें बताती है। अब बातें हो जाने के बाद सभी सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह सुशीला सारे पापड़ जमा करके एक बैग में भर देती है और एक बड़ी भरनी में अचार भर देती है। तभी रघु आकर सुशीला से, सुशीला बहन, मेरे अचार और पापड़ तैयार है क्या? जी भाई साहब, आपके पापड़ और अचार तैयार है, ये लीजिए। ऐसा कहकर सुशीला रघु के हाथों में पापड़ की बैग और अचार की बरनी दे देती है। अब रघु बोलता है, बहन शादी के दिन में 5 किलो दही लेकर जाऊंगा, आप बना के रखना। हाँ भाई साहब, मैं बना कर रखूंगी, आप किसी को भेज देना दही ले जाने के लिए। जी ये लीजिए आपके पैसे, मैं चलता हूँ अब। जी, रघु पापड़ और अचार लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर सुशीला पैसे देख बहुत खुश हो जाती है, उन्हें लेकर अपने कमरे में चली जाती है। वो पैसे अपने पोटली में रख देती है और दूसरे काम करने लगती है। अब सुशीला हर दिन अपना काम करके पापड़ बनाकर रखा करती थी, मगर सब में कुछ ना कुछ कम डाला करती थी। एक दिन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर मैं लोगों को अचार नाप के थोड़ा कम दे दिया करूँ तो मेरा ही फायदा है, और पापड़ में मसाला कम डाला तो मेरा ही मुनाफा और हो जाएगा। ऐसे सुशीला खुद से सोचकर मन ही मन में ठान लेती है और अगले दिन से वो आने वाले ग्राहकों को कम अचार देने लगी और दही के पैसे भी उसने बढ़ा दिए। अब रघु के घर उसने 5 किलो दही दे दिया और उसके उसने 300 रुपए ही लिए। तभी सुशीला का बेटा सुधीर उससे, अरे माँ, आजकल गाय दूध कम दे रही है, अगर तुम्हें कुछ दूध कम पड़ रहा हो तो बाहर से खरीद लेना। अरे नहीं, फिलहाल तो चल रहा है, बाद में देखेंगे, कम पड़ा तो मैं देख लूंगी। ठीक है माँ, चलो मैं खेत में जाकर आता हूँ। ठीक है बेटा। ऐसा कहकर सुधीर खेत में चला जाता है और सुशीला सोचने लगती है कि तभी राम वहाँ दही लेने आ जाता है। चाची, मुझे 1 किलो दही चाहिए, एकदम ताजा। हाँ राम, रुको मैं अभी लाती हूँ। ऐसा कहकर उसके हाथ के डिब्बे में सुशीला 1 किलो दही लेकर आती है। तभी उस दही को देख राम बोलता है, चाची आजकल दही में ज्यादा पानी आ रहा है। अरे बेटा, ये गर्मी का मौसम शुरू हो गया है ना, इसीलिए दही ऐसा होता है। अच्छा चाची, ये लो पैसे, अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। सुशीला पैसे गिनती है और खुद से बोलती है, इसे कम पैसों में दही भी अच्छा चाहिए, कौन यहाँ इतनी ईमानदारी से धंधा करता है, आया मुझे सिखाने वाला। ऐसा कहकर सुशीला घर में चली जाती है।
उसे सुधीर की बातें याद आती है कि दूध कम पड़ गया तो बाहर से मंगवा लेना। वो फिर से मन ही मन में सोचती है, अगर दूध कम पड़ गया तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे ग्राहक कम हो जाएंगे। ऐसे ही दिन ब दिन सुशीला का लालच बढ़ता जा रहा था, मगर उसके बहू के नजर से ये छुपा नहीं था। सुशीला अचार कम देती थी, पापड़ में मसाला कम, और अब दूध में पानी मिलाकर उसका दही लगाया करती थी। इससे ग्राहक शिकायत किया कर रहे थे। ये सब देख राधा सुशीला से बात करने की सोचती है और कुछ मन में सोचकर सुशीला के पास चली जाती है। माँ जी, आपने जो पापड़ दिए थे ना रघु चाचा के लड़की के शादी में, उसको लोग कह रहे थे कि उसमें स्वाद ही नहीं है। क्या कह रही हो बहू तुम? मैं सच कह रही हूँ माँ जी, मैंने अपने कानों से सुना है। अगर ऐसा कुछ था तो रघु मुझसे बोलने क्यों नहीं आया? माँ जी, आपसे बोलने के लिए सब डरते हैं, इसीलिए कुछ नहीं कहते, मगर इसका तो परिणाम आपके धंधे पर पड़ेगा ना। इससे तो ग्राहक कम हो जाएंगे और अच्छे पापड़ ना मिलने की वजह से लोग दूसरे लोगों से पापड़ खरीद लेंगे, इससे आपका नुकसान हो जाएगा। और आपके हाथों में तो कितना स्वाद है ना माँ जी, आप कुछ मिलावट या कम ज़्यादा मत कीजिए, पहले जैसे आप बनाती थी वैसे ही बनाइए। हाँ बहू, तुम सच कह रही हो, मगर महंगाई कितनी बढ़ गई है। माँ जी, आप थोड़े वस्तु के दाम बढ़ा देंगी तो चलेगा, मगर जो भी चीज़ हमारे यहाँ से जाएगी ना, उसका स्वाद लोगों के मुँह में बैठा रहना चाहिए। हाँ बहू, मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं, मैं कम मसाला डाल पापड़ का स्वाद बिगाड़ रही थी। और माँ जी, आपको दूध में भी मिलावट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सोच रहे हैं कि इस गाय का दूध अगर कम पड़ रहा है तो हम दूसरी और एक गाय ले लेंगे, इससे हमें दूध की कमी नहीं होगी, इन्होंने मुझसे आज सुबह ही कहा। बहू, तुम सच कह रही हो, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगी और मेरे पदार्थों का स्वाद भी कायम रखूंगी। आप अब पैसों को लेकर मन में कभी भी लालच नहीं लाएंगी और मैं हूँ ही आपके साथ। हाँ, अब हम दोनों मिलकर अच्छा काम करेंगे और मुझे सही राह दिखाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर सुशीला राधा के गले लग जाती है। आज राधा की वजह से सुशीला की आंखें खुल गई थी। अब उसे पता चल गया था कि उसे किस प्रकार से अपने ग्राहकों को सब बताना है और कैसे उन्हें अच्छे पदार्थ बेचने हैं। अब सुशीला के मन में लालच मिट गया था। ये देख राधा भी बहुत खुश हो जाती है। अब से सुशीला ग्राहकों को अच्छे पदार्थ देकर अपना नाम कर रही थी और लोगों के मुंह में तो जैसे उसके पदार्थों का स्वाद ही बस गया था। अब उसने बाद में बहुत नाम कमाया और ईमानदारी से अपना काम किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, लालच से हम हमारा ही नुकसान कर लेते हैं। वो कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है।